हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम। ये जो सामने आप बंदा देख रहे हैं, ये मतलब इसे डैम बोलते हैं इंग्लिश में, और जनरली हमारी भाषा में बंधा बोल देते हैं, कुछ लोग बांध बोलते हैं। तो ये हमारे शहर का मतलब एक फेमस बांध है, जो कि लगभग शहरी एरिया के बहुत करीब है, और ये यहाँ से लेके उधर लास्ट तक है। सो यहाँ पे चेतावनी भी दी गई है कि हाँ, ये सब चीज़ें ना ही करें, मतलब मछली ना मारें। ये कुछ आसपास स्टार्टिंग में ही कुछ गंदगी थी जो कि सीढ़ियों के पास है, लोग यहीं से जनरली आके अपना विसर्जन विसर्जन करते हैं। और वहाँ कोने में अभी हम लोग चलते हैं, वहाँ पे कोने में घर के पास, हाउस के पास, और ये साइड का किनारा है। सभी को नमस्कार, और मैं शुभम फिर से अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ। और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, जिसमें मैं अपने शहर के कुछ ऐसे चुनिंदा बंदों के बारे में बात करूँगा जो बहुत नज़दीक है, मतलब आसपास है, और जो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ये है बंदा जो सबसे लास्ट में खड़ा हूँ। इधर एक रेस्ट हाउस है, मतलब यहाँ पहले ओपन था और पहले होता था, लेकिन अब कुछ कारणों से ये बंद है, और अभी यहाँ काफ़ी गंदगी हो चुकी है। हालांकि ये गंदगी, साफ़ सुथरा, ये तो कई बार यहाँ पे सरकार ने और प्रशासन ने अच्छे काम करने की कोशिश किया, लेकिन हो गया काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पाया है। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि शहर के आसपास देखा जाए तो सबसे नज़दीक बंदा यही है, और जो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, और बन भी चुका था, बनाया भी गया था, कोशिश भी की गई थी, लेकिन नहीं बनाया गया, नहीं बन पाया। उसके पीछे रीज़न दो है। पहला रीज़न है कि लोग यहाँ के, जो आसपास के लोग हैं, वो उतना कोऑपरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है, मानी चाहे ना मानी। यहीं पे लोग कपड़े साफ़ करेंगे, यहीं पे गंदगी करेंगे, यहाँ पे अभी भी खुले में शौच करेंगे। ये है। और दूसरी बात ये कि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश करता है, एक समय पर यहाँ पर नाव भी चलाई जा रही थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो गया अब या तो किसी कारण लोग तोड़ देते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सो नहीं हो पाया। जनरली कोई भी शहर, एक जो एक अच्छा शहर होता है, वो जनरली दो कारणों से होता है। पहला कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट है, तो वो शहर अच्छा चल सकता है। और दूसरा कि अगर वहाँ की जनता जागरूक है और सरकार कोऑपरेट करती है किसी डेवलपमेंट के लिए, तो वो शहर का विकास हो सकता है और डेवलप हो सकता है। ये कुछ नज़ारा है, अगर चाहे तो दूर से दिखा सकते हैं, ज़्यादा पास नहीं, लेकिन हाँ व्यूवर्स थोड़ा दिल को स्ट्रॉन्ग रख के, थोड़ा ओपेंटिफिकेशन है। हालांकि अपने शहर वाले बोल रहे हैं कि का बंधवा देखा उतरला है हो, इधर देखे हैं, लेकिन हाँ बेसिकली कहने मतलब ये है कि अगर चाहें तो ये शहर के सबसे आसपास, मतलब सबसे पास है बंधा, और काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस बन सकती है। भोपाल में आप जाएंगे तो वहाँ पे भोजताल के पास बैठेंगे, आराम से चाय पियेंगे, दुकानें लगी रहेंगी, वहाँ पे अच्छा रिलैक्स करेंगे, लेकिन जो अपने शहर के पास है तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पे तो पॉसिबल अभी तो नहीं हो रहा। सिर्फ यही है कि आप लोग देखिए, समझिए, और मेरे ख्याल से पब्लिक को थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है यहाँ के आसपास की, कि यहाँ पे गंदगी ना करें। जनरली कोई ख़त्म भी होता है, ध्यान भी किसी का, तो भी बहाने इसी में आएंगे, कपड़े वपड़े साफ़ करना है तो यहीं पर आएंगे, ओपन डेफिकेशन करना तो यहीं पर आएंगे। ज़्यादा घनी बस्ती तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने लोग भी हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। खैर, लेकिन ये तो एक पहला बंदा था। अपने शहर में आसपास सबसे नज़दीक में तीन बंदे हैं, एक गोरियरा बंदा है जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा चल रहा है, और उसके पीछे कई रीज़न भी हैं। पहला कि एक वहाँ की सर, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ जो चेंजेस लाए, तो उससे मतलब वो वैसे को वैसा बना रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ के आसपास भी लोग जो हैं तो उसको बना के रखे हुए हैं। तो अगला जो मतलब आगे, मैं वीडियो के आगे ही वो गोरियरा बंदा के बारे में दिखाऊँगा, और काफ़ी बदलाव हो गए हैं। 2013 में आसपास मैं गया था, तो वहाँ पे उतना चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे काफ़ी मतलब पुराने और लोग बहुत कम जाते थे, एक दहशत टाइप में भी था, लेकिन अभी तो बहुत बदल गया है, अभी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन रहा है। और हो सकता है उसके अच्छे होने कारण ये है कि वहाँ पे आसपास घनी बस्तियाँ नहीं हैं,
वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं आसपास, तो उसकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते रहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वहाँ पे अच्छा काम किया है। सो चलते हैं अगले बंदा, मतलब एक तरीके से वेटलैंड कह सकते हैं छोटा सा, गुरियारा बंदा की ओर। तो गौरव भाई चलिए आगे तक चलते हैं, थोड़ा आगे से अच्छे से दिखा देते हैं। कहाँ देखोगे? दिखा देते हैं, थोड़ा इनको पता चले कि हाँ भाई कुछ है। ये देखिए दारू बॉटल भाई, दिखाइए दिखाइए। ये मड़वास जाने वाली रोड है, सीधी से मड़वास जाती है और ये नौका विहार के लिए ये रोड जाता है। ये पीपल का पेड़ निशानी है यहाँ घुसने के लिए और नौका विहार के लिए। चलिए आगे चलते हैं और ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये कच्ची सीधी रोड है और इधर मेरे ख्याल से गांव है। कुछ गांव वाले इस गुरियारा डैम के आगे रहते हैं और ये कुछ जाते हुए बुलेट से आ रहे हैं। गौरव सिंह चौहान बाइक से छोटी सी अपने, ये बच्चे टायर चलाते हुए देखिए, ये है गांव की खूबसूरती। और ये नौका विहार जाने का एक और बोर्ड लगा हुआ है सामने, देखिए पेड़ों में, और यहाँ से रास्ता जाने का रास्ता है और ये भी नौका विहार ही जा रहे हैं। लगता है रास्ता चेंज हो गया भाई। नहीं रास्ता उधर था ना, उधर भी था एक रास्ता, वो एक दूसरा रास्ता है, लेकिन ये पर्टिकुलर नौका विहार के लिए रखा गया। 2013 ओरा में गए थे तो इसी साइड से रास्ता। हाँ मैं तो अभी रेगुलर विजिट किया हूँ, ये अभी बनाया है इन लोगों ने, जस्ट बदल गया था। ये व्यू है देखिए आप यहाँ से, इतना सब कुछ दिखे, वो ब्लू बोट माई फेवरेट है। गाड़ी वाड़ी मस्त ला गया। और ये नौका विहार, ये नौका विहार के लिए और रेस्टोरेंट के लिए बनाया गया। क्या बोल रहा, डस्टबिन तो नहीं है, भीड़ तो है, बढ़ रही है धीरे धीरे। साफ सुथरा तो है ये, लेकिन कचरा फैल रहा है, जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ रहे हैं ना तो सुधरेंगे तो है नहीं। डस्टबिन भी नहीं है ना आसपास, मेन बात लोग वहाँ खा रहे हैं, खाते वहीं गिरा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। बातें अब उसी में खाए उसी में कर दिए। अभी तो नया नया है ना, तो अभी थोड़ा साफ सुथरा है। ओ चार पांच बार भाई तू पूरा ले ले, तो यहाँ के लिए बोट के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। कैमरा लगा रहेगा ना, बिल्कुल ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कतई। हाँ। आप वहाँ पे बैठ के तरीके से कर लो, वो ज्यादा। ये क्या है रहा है, मछली पकड़ लिया। तो ये जो हीरो बनने की कोशिश है तो ये तो नहीं करो यार, सबसे अच्छा है फाइबर है, पानी पड़ा। हाँ। तो सड़क जाता है।
अब इसमें चीज है भैया कि हम लोग जान के दो तीन लोग को बचाए हैं, कसम से लगता है हमारी जान चली गई, इनको बचाया खुद का। नहीं गहरा पानी है और ज्यादा इसमें ना हीरो नहीं बनना चाहिए, तो उसके सामने जो दिखता है उसी को पकड़ेगा, पकड़ लेते उसी गर्दन पर खींचेगा। हाँ वही वजह से बचाने जाओ, बचाने जाओ जिसको जिसको तैरना नहीं आता है कि हम ही जाएं। तो इस तरह तो सेल्फी बिल्कुल ही ना लो यार, वो हीरो बन रहा है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दो तीन लोग ही हैं जो बचा सकते हैं, लेकिन हो गया ये सेल्फी के चक्कर में। देखो अब इतनी कितनी वीडियो आती है इसी तरीके से होता है सब, तब है ना फिर आई बार बहुत तगड़ा से रखते हैं हम लोग, एक बार एक सीढ़ी में भी नया है, ऐसा ना हो कि फिर पुराना भी हो जाए। हाँ बंद भी करना पड़ जाएगा, बंद हो गया उसी चलते तो बंद ही हुआ था। अब इसके बाद जो है वो खाली हो गया आ जाओ छोटू, वहाँ चले जाते पता ही नहीं चलते कहाँ गए, बैठे कहाँ और पीछे बैठो जाओगे यार, तो फाइबर है बहुत तगड़ा से रखता है, पता तुमको पीछे बैठा है तुम आगे आ गए, जंपिंग आएगी सरक जाओगे पता भी नहीं चलता। चलो अपना यात्रा तो सब स्टार्ट हो चुकी है, पैंडल मेरे हाथ में है जहां का है ज्यादा तेज मार रही है पैंडल। सो वैसे मोबाइल को पकड़ना नहीं चाहिए लेकिन हो गया थोड़ा सा बस पकड़े हैं मोबाइल, लेकिन सुरक्षा जो है अपने हाथ में होनी चाहिए, आप अपनी अपने हाथ में सुरक्षा लें। मेरी कोई सुरक्षा नहीं है, पता चला कि जैकेट पहने हमारे दोस्त, पता चला कि मोबाइल की सुरक्षा नहीं करते आ रहा, अब ब्लॉगिंग जहाँ कर दिए ब्लॉगिंग भी खत्म और मोबाइल भी खत्म। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि थोड़ा बहुत जो भी है अब स्टार्ट कर दिया गया है, और ये बहुत साल से ऐसे खाली पड़ा हुआ था तो काफ़ी अच्छा है और साफ़ सुथरा है अभी फिलहाल, लेकिन ना अब जैसे जैसे लोग यहाँ पे आते जाते रहे हैं तो वैसे वैसे गंदगी फैल रही है। स्टार्टिंग में वहाँ पे पन्नी थी, अब यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं साबुन निरमा लेके, अभी दिखा रहे हैं भाई प्राइवेसी वाली बात नहीं, पब्लिक प्लेस हो गया ना अभी ये, तो जहाँ पे टिकट लग रहा है तो समझ लो कि वो पब्लिक प्लेस हो गया। देखिए पड़ा हुआ है, मैं स्कूल खाना पड़ेगा, ज्यादा हिलो डुलो नहीं ये जोनो अभी नवा नवा खुला है टूरिस्ट प्लेस, नवा नवा खुला तो एक ना कारत करा। सो सभी से मैसेज यही है कि ना ये जो कचरा ऐसे कर देते हैं ये तो अपने बैग में ही डाल लें, जेब में ही डाल लें, है ना, इससे कचरा ना फेंकें, जो भी इतना अच्छा है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। हैं ये देखिए पूरा उठाना पकड़ता है इसको, सात बजे तक ये पकड़ लिया गया। नहीं भैया ऐसा ना करिए, हम लोग पानी मत देंगे, उधर ही साइड हम लोग जाएंगे, सात बजे तक हीटना है ठीक है। ये हमारे मित्र थे जिन्होंने जो है तो कहा कि नहीं भाई जब तुम कर ही रहे हो इतना ब्लॉगिंग, चलो तुम्हारे लिए कंटेंट दिला देते हैं, हैं इतना तो फर्ज बनता है, तो क्या ठीक है भाई। तो वही फिर मैं सोचा कि अपने शहर में जो भी वेटलैंड टाइप में छोटे वेटलैंड है या छोटे पॉन्ड टाइप में है जो कि अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में है, हालांकि तो वहाँ पर जाके एक दिखाया सकता है, मैसेज दिया सकता है कि हाँ अभी नया नया जो टूरिस्ट प्लेस खुल रहा है, जो नया नया टूरिस्ट प्लेस खुला है तो वहाँ पे जाके जो भी लोग जा रहे हैं तो गंदगी ना ही फैलाएं। मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो शख्स सामने आपको दिख रहे हैं मोबाइल चलाइए, लेकिन फिर एप्पल ही लिए रहिए जो वाटर प्रूफ और पानी गिरने के बाद भी बच जाए, तभी इस तरफ करें, बाकी भाई पूरी सीधी लग जाएगी किसको निकालने में। न्यूज में आया था कि बंदे ने रिवर मतलब गिर गया था उसको मोबाइल रिवर में, तो अभी मिला उसको 7-8 महीने बाद एप्पल का। हाँ एप्पल और का चलती और चलती हालत में, कि मतलब मोबाइल यहाँ पे 2013 में आसपास में भी यही था, इधर ही आया था। ये बढ़िया ग्रुप बढ़िया, सिंचाई में सिंचाई में पानी पीने के लिए भी पानी, सिंचाई का भी पानी और नहर का भी पानी। हाँ तो बेसिकली 2013 के आसपास एक और कहानी सुनने को मिलता था कि मतलब अगर लोग आते थे तो जनरली जो कपल में आते थे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि दिक्कत ये भी है कि अगर आप इस एरिया में आके आएंगे ठीक है कपल में आइए ठीक है, लेकिन आप बैठिए शांति से रहिए, हाँ ऐसा कुछ गलत हरकत मत ही करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रूरल एरिया है और गलत एरिया है। तो बोल रहे सही बोल रहे भाई, अभी अभी नया ये खुल गया है,
तो इधर भी लोग कपल्स आते हैं, तो यहाँ भी इसका मतलब ये नहीं कि खुल गया है तो आप लोग कुछ गलत करिए, ठीक है, अच्छे से रहिए ताकि आसपास वाले लोग आपको मतलब करने दें, जो घूमने हैं घूमने दें, नहीं तो फिर पता चला वो लोग आवाज़ उठा लेंगे भाई हमने बंद कर देंगे, हम नहीं ऐसे करने देंगे, लोग ऐसे ऐसे उठपटांग हरकत करते हैं, है ना। सो ये सब चीज़ें थोड़ा देख दाख के, जो भी खुला है अपने साइड तो अच्छा खुला है, फ्यूचर में मेरे हिसाब से मैं भी यही चाहूँगा कि हाँ अपने सीधी में अच्छे से अच्छा टूरिस्ट प्लेस बने। सो ये था गुरियरा, जो कि मैंने बताया था कि हाँ ये दूसरा अपने मतलब दूसरा कह सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है और एक छोटा सा वेटलैंड है जो कि जस्ट अभी जहाँ नाव भी स्टार्ट कर दी गई। सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आई होप आप लोग भी समझेंगे, केवल आने ही मकसद मत रखिए, आइए तो फिर अच्छे से घूमिए, लेकिन हाँ गंदगी मत फैलाइए, जो भी है तो अच्छे से एंजॉय करिए। सो अभी जाते टाइम मुझे एक बुजुर्ग अंकल जी मिले जो यहाँ के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं और है उनके पास, और यहाँ लगभग 20-25 साल से यहीं पर्टिकुलरली रह रहे हैं पीछे, और उनसे मेरे हिसाब से वो कुछ मतलब अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, ऐसी चीज़ें बता सकते हैं शायद जो बहुत से लोग नहीं जानते हो, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनसे मिल पाया। सो आइए जानते हैं उनसे कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब जानने वाली चीज़ें हैं और लोगों को जाननी चाहिए। सो अंकल जी मैं ये बोलना चाहूँगा जी कि आप यहाँ कब से हैं और यहाँ के बंदे बारे में। यहाँ हम 2002 से यहाँ हैं, और ये बंधा जो बना है ये 1962 में बना है, 1962 से काम चालू है, 1964 में ये कंप्लीट हुआ, तब से ये रेस्ट हाउस बना था, जबकि सीधी जिले में सबसे फर्स्ट एक नंबर में रेस्ट हाउस था। ये वाला ये जो सामने जी बेसिकली ये जो बोटिंग वोटिंग वाला सिस्टम है और यहाँ पे अब गाड़ी वाहन टूरिस्ट बन गया है, टूरिस्ट एरिया नौका विहार एरिया बन गया है जी। तो ये अभी लगभग कितने दिन हो गए इसको अभी स्टार्ट हुए? ये एक महीना हो गया, लेकिन ये गाड़ी वाहन का तो 10 दिन से इसका टिकट उकट लगा, नहीं पहले नहीं लगता था। अच्छा, तो अभी जब से ये लोग आने लगे हैं सीधी के, जो भी घूमने वाले या बाहर के आसपास जो भी आते हैं जी, तो उसका क्या असर हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे असर तो अभी सही है, गलत कोई नहीं, कोई मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं न कुछ करते हैं, अभी तो ठीक है ठाक चल रहा है, शादी और भी आगे बढ़ सकता है, बन सकता है ये रेस्ट हाउस भी, ये इधर है ना, इधर बना दे जी, ये चुनाव के बाद इसमें शायद काम लग जाए, अच्छे से बन सकता है। चलिए अच्छा, तो अभी और क्या आप सीधी वाले जो भी हैं आसपास और जो आते हैं घूमने जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा करो या ऐसा ना करना चाहिए या ये सब चीज़ें क्या ऐसा? इसमें यही है कि मतलब आए शांत पूर्वक परिवार सहित आए, अच्छे से नौका विहार करें, यहाँ रेस्टोरेंट बना हुआ है, खाने पीने का सब सुविधा है, लेकिन ये पीने खाने वाला सिस्टम यहाँ ना रखे ना आए पीने वाले, हाँ ड्रिंक विंक ना करें है ना? जी, इसलिए कि जो पीने खाने वाले आएंगे तो परिवार सहित आते हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, हाँ। इसलिए फिर वो आएंगे नहीं दोबारा, कि यहाँ तो उत्पटांग होता है। और जैसे हम जैसे लोग जो युवा हैं जी, जैसे हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे या एडवाइस देना चाहेंगे? आप लोगों को क्या सलाह दे सकते हैं, क्योंकि यही चाहेंगे कि यहाँ पे शांत पूर्वक आए जो कोई तो रहें। जैसे हमारी उम्र के कई लोग आते हैं, या तो आए तो खेलने कूदे, पत्थर वत्थर मारे, कचरा फैला दिए, या तो नहाने लगे साबुन निरमा तेल लगा के जी, या तो उधर कोने में बैठ गए तो अपना लग गए, कुछ नहीं जाए, यहाँ नहाने धोने की परमिशन नहीं मिलता है। चलिए सही है, चलिए धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आगे हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे जी, ठीक है, धन्यवाद। सो यही था सफ़र अपना, छोटी सी ट्रिप थी। सो यही कंपेरिजन था, आप देखोगे वो वाले बंधे और ये वाला बंधे, बंदा नहीं इसे मतलब गुरियरा बांध बोलते हैं, तो यही था डिफरेंस। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा होगा, और एक और बंदा है उसको कभी फ्यूचर में दिखाएंगे, लेकिन और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इंजॉय करने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, यही अभी हमारे लिए फ़िलहाल हेल्प होगी। और ये है, शायद उल्टा तो नहीं दिख रहा होगा, हमेशा उल्टा ही दिखता है, उल्टा ही दिखेगा लेकिन उसमें सीधा दिखता भाई आई होप आप लोग समझेंगे, और अपने जो सीधी वाले हैं उनके लिए यही छोटा सा मैसेज था वीडियो के माध्यम से।
तो इन्जॉय करिए, लेकिन हाँ गंदगी ना फैलाइए। और वो वाला जो बंदा है घर भी लोग समझे, अच्छा से अच्छे लोग ही बन सकता है और अपना एक सीधी शहर को एक टूरिस्ट सिटी के तौर पे उभारें। बाय बाय।